हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गुरु। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पाइथन का लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं। तो मेरे सामने एक स्लाइड खुली हुई है और स्लाइड में मेरे सामने लिखा हुआ ऑपरेटर के बारे में, जो मेरे पास क्या है, एक प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। तो असाइनमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक होते हैं इसके अंदर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेटर से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या खोल लेते हैं, पाइथन सेल खोल लेते हैं। हम यहाँ विंडो के साथ पीवाई लिखेंगे, जैसे ही हम एंटर करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाइथन सेल खुला मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो जो इक्वल होता है, अगर हम बात करें यहाँ, ये तो हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अगर हम बात करें ये होता है हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है नीचे वाला जो होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने कहीं लिखा एक्स, असाइनमेंट लगाया और मैंने लिखा फोर लिखा, तो एक्स में मैंने क्या वैल्यू असाइन कर दी, फोर वैल्यू असाइन कर दी। मतलब एक्स क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर जो फोर है उसकी क्या है, लोकेशन सेव है, उसकी एक आईडी सेव है एक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया फिर फोर लिख दिया। जैसे मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू। तो एक्स की वैल्यू मैंने पहले ही असाइन करा रखी है फोर, अब फोर इक्वल टू फोर, तो ये कंपेरिजन करेगा, ये इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है, इक्वल टू वाला। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उसके अंदर वैल्यू को क्या करता है, असाइन करता है। अब जो हमारे पास, मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू सेवन लिख दिया मैंने, तो मैंने क्या करा, एक्स के अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी है, सेवन वैल्यू असाइन कर दी है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, जो जिसमें लेफ्ट वाला जो हो रखा है, ये हरदम क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। इसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे सेवन या कुछ भी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट जो होगा हमारा, ये जो असाइन जो असाइनमेंट ऑपरेटर से जो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट जो होगा वो हमारा, वो क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल होगा, और इधर वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। अब वैल्यू डेटा वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हो, वो फ्लोट में हो, वो स्ट्रिंग में हो, चाहे वो ऐसा हो। एक्स इक्वल टू लिख दिया मैंने ASHVINI, अश्वनी लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया अश्विनी, ASHVINI मैंने अश्विनी लिख दिया। तो मैंने एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू क्या करा दी, असाइन करा दी। अगर मैं लिखूँ TYP टाइप लिखूँ इसका और एक्स कर दूँ, तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा, ओके। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, फोर इक्वल टू लिखूं या एक्स लिख दूं, अगर मैं इसे ऐसे लिखा लूं, तो ये क्या है, मेरे पास ये एरर है, ऐसे नहीं लिख सकते हम किसी चीज को। अगर मैं लिख दूं थ्री इक्वल टू फोर लिख दूं, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम किसी चीज को। अगर मैं लिख दूं यहाँ बाई इक्वल टू लिख दूं, बाई प्लस थ्री लिख दूं, तो ऐसे हम नहीं असाइन कर सकते किसी चीज को, ये गलत होगा। तो लेफ्ट वाला जो होना चाहिए वेरिएबल होना चाहिए, और जो भी हमें लास्ट में लिखते हैं वो क्या होना चाहिए, वो हमारी डेटा वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया है वाई इक्वल टू फोर सेवन लिखा, और ये लिखा वाई इक्वल टू वाई प्लस सिक्स लिखा, जैसे मैं सेंटर कराऊंगा और वाई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे 13 आ गया। क्यों, अब ये गलत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ वाई की वैल्यू यहाँ असाइन करा रखी है पहले से ही सेवन। अब हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो बे ऑपरेटर ये होते तो ये भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, लेकिन ये दो साइन से मिलकर बनते हैं। जैसे मैंने लिखा प्लस लिखा और लिखा असाइन, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गए, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए। तो हम देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स, असाइन करा मैंने इसके अंदर थ्री लिखा, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स असाइन एक्स प्लस थ्री, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने एक्स इंटू एक्स असाइन टू लिखा मैंने यहाँ, इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स असाइन एक्स इंटू टू लिख सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने लिखा एक्स असाइन फोर लिखा मैंने, उसके बाद में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स असाइन एक्स डिवीजन, फिर क्या कर सकते हैं हम, फोर लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ एक्स फ्लोर डिवीजन लगाया
एक्स असाइन किया मैंने, 5 किया, उसके बाद में मैंने इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स असाइन, एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दे, एक्स फ्लोर डिवीजन लगा दिया, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 लिख सकता हूँ इसे। मैं लिखा एक्स असाइन कराया इसके अंदर, लिखा 7, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम एक्स असाइन क्या लिख सकते हैं, एंड 7 लिख सकते हैं। इसके बाद में लिखा एक्स असाइन कराया और लिख दिया मैंने यहाँ 6 लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं एक्स असाइन और 6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि एक्स असाइन 3 जो मैंने किया, यहाँ 2 यहाँ लिखे चिन्ह सिंबल लगे हुए हैं, तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो जो हमारे पास पहले हम x प्लस 3 निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू किसमें असाइन करेंगे, x में करेंगे, ऐसे ही करेंगे x असाइन 2 करेंगे, तो x इक्वल टू x इंटू 2 लिखा जाएगा। तो x पहले x के 2 से गुणा करेंगे, फिर किसमें असाइन कर देंगे उसकी वैल्यू को, हम x में असाइन कर देंगे, वो x में असाइन कर देंगे। ऐसे ही x फ्लोट x असाइन 5 करेंगे यहाँ, तो x असाइन करेंगे और x फ्लोर डिवीजन 5 करेंगे, जो भी इनकी वैल्यू होगी वो x में असाइन करेंगे हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही ये हो जाएंगे। अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहीं लिखा x इंटू x इंटू एसाइन 3 प्लस 4 लिख दिया मैंने, एक चीज तो लिख दी मैंने, फिर लिख दिया x असाइन, क्या लिख दिया मैंने यहाँ 5 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा x असाइन x इक्वल टू x मल्टी x लिखा, सॉरी फॉर दैट, x मल्टी क्या लिखा 3 प्लस 4 लिख दिया। तो अब दोनों का मतलब एक ही है या अलग अलग है, तो उसे मिलकर हम देख लेते हैं। इसका जो मतलब होगा, इसका मतलब भी होगा क्योंकि इसमें हमारे पास कितने ऑपरेटर लगे हुए हैं, 2 ऑपरेटर लगे हुए हैं, पहला ये दूसरा ये, लेकिन यहाँ क्या लगेंगे, 1 2 3 ऑपरेटर लगेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स असाइन, पहले कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे असाइन लिखेंगे, यहाँ 3 प्लस 4 क्या होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे हम एक्स इक्वस एक्स असाइन एक्स, सॉरी 7 इंटू एक्स, इसे ऐसे लिख देंगे, फिर एक्स इक्वल एक्स असाइन 7 इंटू क्या कर देंगे हम, 5 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल एक्स असाइन 35 मिलेगा, क्या मिलेगा, एस असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे क्या लिखेंगे, 35 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारे पास इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, 3 हो, तो इसमें जो प्रायोरिटी जो पहले है वो पहले किसकी प्रायोरिटी है, प्लस की है, बाद में किसकी है, असाइनमेंट ऑपरेटर की है। इसमें पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, मल्टी की होगी, फिर किसकी होगी, प्लस की होगी, फिर क्या होगी हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर की होगी। तो इस प्रकार मेरे पास क्या आएगा, एक्स असाइनमेंट 5 इंटू 3 प्लस 4, तो इस पर क्या मिला मुझे, एक्स असाइन मिला 90, क्या मिला 90, 5 से 15 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग में।